हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं स्टैटिस्टिक्स का एक नए टॉपिक को लेकर के। हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन और मोड का टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुका है ना। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जा करके मीन एंड मोड का वीडियो देख लीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मीडियन। मीडियन निकालते कैसे हैं डिफरेंट सीरीज में, क्योंकि आपको पता होगा देयर आर थ्री सीरीज, स्टैटिस्टिकल सीरीज, राइट? दैट इज इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रिप्ट सीरीज एंड थर्ड वन इज कंटिन्यूअस सीरीज, राइट? तो इन तीनों ही केसेस में मीडियन निकालेंगे कैसे, उसके बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे, ठीक है? सबसे पहले अगर सवाल हो मीडियन के बारे में तो मीडियन होता क्या है। देखिए, मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म। क्या होता है? मिडिल टर्म मतलब कोई भी जो आपके पास डेटा दिया रहेगा उसका मिडिल पार्ट, 50% पार्ट में, पॉइंट में कौन सा वैल्यू है, ठीक है? सेंटर वैल्यू क्या है, वही हमारा कहलाता है मीडियन, ठीक है? देखिए, इसमें रूल क्या है वो समझिए पहले। किसी भी तरह का सीरीज हो, इंडिविजुअल हो, कंटिन्यूअस हो या डिस्क्रीट सीरीज हो, सबसे पहले डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, ठीक है? पहले क्या करना है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज कीजिए एंड देन हम लोग जो फॉर्मूला अभी बताएंगे उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाता है। सबसे पहला इंडिविजुअल सीरीज, राइट? तो इंडिविजुअल सीरीज में मान लीजिए मार्क्स दिया हुआ है, देर आर फाइव स्टूडेंट, वन पहला बच्चा जो है 5 मार्क्स लाया है, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स एंड 9 मार्क्स, ठीक है? सो देयर आर 5 स्टूडेंट्स, राइट? तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया हमारे पास 5, क्योंकि देयर आर 5 स्टूडेंट, राइट? अब क्या है, अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो ये डेटा ऑलरेडी अरेंज्ड है ना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो इसको अरेंज करने की कोई आवश्यकता हमें नहीं है, ठीक है? तो करेंगे क्या, इंडिविजुअल सीरीज का केस अगर रहे, ठीक है, तो फॉर्मूला पुट करना है मीडियन इक्वल्स एन प्लस वन बाय टू एथ टर्म, ठीक है? क्या करना है, मीडियन का फॉर्मूला होता है एन प्लस वन बाय टू एथ टर्म, राइट? इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है? तो यहाँ पे नंबर टर्म कितना हमारे पास 5 है, तो 5 प्लस वन बाय टू एथ टर्म कितना हो गया, 5 प्लस वन 6 बाय टू, दैट इज आवर थर्ड टर्म। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए हमारा मीडियन क्या है, थर्ड टर्म है, तो इसमें देखना है कि इसमें थर्ड टर्म कौन सा है, थर्ड टर्म हमारा 7 है ना, तो दिस इज आवर मीडियन, ये हो गया मिडिल वैल्यू। तो हमारा मीडियन क्या होगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में 7 जो है वो हमारा है मीडियन, राइट? नाउ एक और टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है, एक्स दिया हुआ 4, 3, 2, 5, 7, 8, अगर ध्यान से देखिए तो अरेंज तो नहीं है, तो हमें सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, है ना? सबसे पहला कौन सा है, 2, 3, 4, 5, 7, 8, अब अरेंज हो गया, ठीक है? तो अब डेटा अरेंज हो गया तो फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, m इक्वल्स क्या होता है, n प्लस वन बाय टू एथ टर्म, यहाँ पे n कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 टर्म है, तो 6 प्लस वन बाय टू एथ टर्म, राइट? क्या आएगा, 7 बाय टू, 3.5th टर्म आया ना, 3.5th टर्म, राइट? अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है? अगर बहुत सारे बुक्स में आप देखोगे तो ऑड नंबर के लिए नंबर टर्म अगर ऑड है और इवन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 है, 6 टर्म है तो इवन हो गया, यहाँ 5 टर्म है तो ऑड हो गया, ठीक है? डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज करता है, अलग अलग थोड़ा तरीका अलग होता है, बट हम लोग ऐसा ना करके सीधा सीधी क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला एक ही रखिए दिमाग में, इंडिविजुअल सीरीज का केस है, सिर्फ ये फॉर्मूला दिमाग में रखिए, एन प्लस वन बाय टू एथ टर्म, उसी बेसिस पे हम लोग ऑड नंबर हो या फिर इवन नंबर हो मीडियन निकाल लेंगे, ठीक है? कैसे, देखिए 3.5th टर्म आया ना, तो 3.5th टर्म का मतलब क्या है, 3 एंड 4 का मिडिल टर्म है, ये क्या है, 3 एंड 4 का मिडिल टर्म हुआ ना 3.5, राइट? तो क्या करना, सीधा सीधी क्या कीजिए, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, हाँ, और इसका 2 से डिवाइड करिए, मतलब एवरेज निकाल दीजिए आप थर्ड और फोर्थ टर्म का, ठीक है? 3. अगर मान लो 4.5 होता तो क्या करते, फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2, अगर 6.5 रहता तो क्या करते, 6th टर्म प्लस 7th टर्म, ठीक है? तो यहाँ पे है 3.5th टर्म, तो क्या होगी आपका, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, राइट? अब देखिए थर्ड टर्म कौन सा है, 4 है, 4 प्लस
फोर्थ टर्म क्या है, 5 है, 5 बाय 2 कितना हो गया 9 बाय 2, क्या आएगा आंसर 4.5, दिस इज योर मीडियन। ठीक है, काफी सिंपल था, चाहे नंबर ओड में हो चाहे नंबर इवन में हो, फॉर्मूला हम लोग यही अप्लाई करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट अगर इंटीजर आ गया तो जो टर्म बोल रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा, और अगर वो पॉइंट में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 3.5 में आया तो देखें किस किस नंबर के बीच में है, तो किसके बीच में है, थर्ड और फोर्थ के बीच में, तो थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म दोनों का एवरेज निकाल देंगे, हमारा मीडियन बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका इंडिविजुअल सीरीज के केस में मीडियन निकालने का तरीका। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना, अगर समझ में ना आए तो कृपया कमेंट कीजिए, सजेस्ट कीजिए, अगर आपको कोई दूसरा कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा जरूर धीरे धीरे उसके बारे में टॉपिक को लेके आने का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, अगर डिस्क्रीट सीरीज का केस हो, डिस्क्रीट सीरीज में बताए थे आप लोग क्या होता है, मान लीजिए मार्क्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, तो मार्क्स को हम लोग एक्स अज्यूम करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं उसको एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 10 मार्क्स लाने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 है, 12 वाले 4, 14 वाले 10, 16 वाले 3, 18 वाले 1, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ कितने हुए, एन इक्वल्स होता है सिग्मा एफ, सिग्मा एफ कितना हुआ 1, 4, 5, 10, 15 और 3, 18 और 1, 19, टोटल कितना हो गया, देर आर 19 स्टूडेंट्स, राइट। यहाँ पे क्या करना है, मीडियन निकालने का तरीका वही है, क्या है, एन प्लस 1 बाय 2th टर्म, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन। ठीक है, एन प्लस 1 बाय 2th टर्म, एन कितना है 19 प्लस 1 बाय 2, राइट, कितना आएगा 20 बाय 2th टर्म, दैट इज 10th टर्म आ गया आपका, है ना। अब सवाल ये है, 10th टर्म का मतलब 10th स्टूडेंट का क्या मार्क्स है, वही हमारा है मीडियन। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे 10th स्टूडेंट कितना लाया, तो देख रहे हैं ना, फर्स्ट स्टूडेंट लाया है कितना 10, चौथा उसके बाद का 4 जो स्टूडेंट था वो कितना लाया है 12, उसके बाद का 10 स्टूडेंट जो है वो लाया है 14 मार्क्स। ठीक है, तो ऐसे केस में मीडियन निकालने के लिए हमें निकालना होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकलता है, 1 का 1, 1, 4, 5, 5 और 10, 15, 15 और 3, 18, 18 और 1, 19। ठीक है, लास्ट टर्म जो होगा वही हमारा नंबर ऑफ टर्म होगा, याद रखिएगा ये, क्लियर। अब देखिए, एक स्टूडेंट पहला, एक स्टूडेंट लाया है 10, उसका बाकी का जो 5 स्टूडेंट तक है वो लाए हैं 12, हमें 10वां स्टूडेंट चाहिए, तो 10 किस में होगा, इसी के अंदर होगा ना, चूंकि यहां तक तो 5 ही स्टूडेंट आए हैं, यहां तक 15 स्टूडेंट जो है अब ला रहे हैं कितना 14 मार्क्स। ठीक है, दैट मीन्स 5 के ऊपर का 15 तक स्टूडेंट जो है वो सब कितने मार्क्स लाए हैं, 14 मार्क्स लाए हैं, तो सीधा सीधी क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट लाइज इन सी एफ 15, किस में लाई कर रहा है ये हमारा 10th टर्म, 10th स्टूडेंट कहाँ लाई कर रहा है, 15th टर्म में सी एफ में लाई कर रहा है, इसके सामने जो x होगा वो क्या होगा 14, डायरेक्ट आंसर लिखिए मीडियन इक्वल टू 14। ठीक है, शॉर्ट में समझिए, मीडियन टर्म जब मैंने निकाला 10th टर्म निकला ना, अगर मार्क्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है ये, ठीक है, तो करना क्या समझिएगा, 10th टर्म आया, इसमें सी एफ में देखेंगे 10 से बड़ा, 10 से ग्रेटर कितने टर्म है, ये सारे टर्म है 10th से ग्रेटर है, इसमें जो पहला टर्म है क्या है 15 है, उसके सामने जो एक्स होगा वही हमारा होगा मीडियन। क्लियर, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई समस्या होगा तो बताया जाएगा आगे। ठीक है, तो अब मैं आगे देखता हूं आप लोगों को कंटिन्यूअस सीरीज का प्रॉब्लम।